हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के लोकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट फ्रॉड टॉपिक के बारे में। क्यों लोग फ्लिपकार्ट के ऊपर भरोसा नहीं करते, क्यों ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर ट्रस्ट करना इतना भी सिंपल नहीं है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और मेरे दोस्त के साथ क्या क्या फ्रॉड हुए पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली मेरे दोस्त ने ऑर्डर किया था नार्जो 20A, लेकिन उसके पास फ्लिपकार्ट ने डिलीवर किया है रियलमी C12। उसने मेरे पास आके बताया, तो मैंने फ्लिपकार्ट के कस्टमर एग्जीक्यूटिव से भी इस बारे में बात की। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट के कस्टमर एग्जीक्यूटिव ने मुझे कहा, एज पर द गवर्नमेंट रूल, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहते हो तो उस पर क्या करना पड़ेगा आपको, आपका जो ऑर्डर आईडी है, जो आपका नाम है, वो रियल होना चाहिए। मान लो मेरा नाम आकाश है, लेकिन मैं किसी राहुल या किसी विजय किसी के नाम से मैं ऑर्डर नहीं कर सकता। मेरे ओरिजिनल नाम में ऑर्डर डिटेल्स होना चाहिए, ऑर्डर डिटेल्स पे मेरा जो नाम है ओरिजिनल, ताकि मैं अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दिखा सकूं। और दूसरा चीज़ है, जो उम्र है वो 18+ होना चाहिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इस लड़के का उम्र है 17 साल। तो जैसे ही 17 साल है एज पर दी गवर्नमेंट रूल, तो इसका जो रिफंड अमाउंट था, जो भी रिप्लेसमेंट होता या फिर रिफंड होता, वो पहली बार मैंने जब अप्लाई किया तो वो कैंसल्ड हो गया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपका उम्र, आपका जो एज है, एलिजिबल नहीं है, तो हम आपको रिफंड नहीं देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रूफ दे देता हूँ। मैंने अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट ओपन किया और यहाँ पे मैं आपको माई ऑर्डर पे जाता हूँ। तो ऑर्डर डिटेल्स पे आप देख लो, मेरा रियलमी नार्जो 20A रिफंड अमाउंट हो चुका है। तो रिफंड से पहले देख लो बिल क्या आया था। बिल मुझे मिला है नार्जो 20A का, लेकिन मेरे पास रियलमी C12 जो है डिलीवर हुआ है। तो मैंने ये रिफंड के लिए रिक्वेस्ट किया, तो मेरे पहले ही अप्रूव नहीं हुआ था। मैंने बहुत सारे कॉन्वर्सेशन भी किया, आपको दिखाता हूँ। देखो, मेरा रिफंड हो गया 24 नवंबर को। तो मैंने ऑर्डर किया था, मेरे को 8-10 दिन टाइम लग गए। और आप नीचे देख सकते हो मैं कॉन्वर्सेशन उनके साथ क्या क्या बातचीत हुई है। उन्होंने मुझे बोला था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स दो, जो 4-5 डिटेल्स रहते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए हैं। और रिप्लेसमेंट मेरा रिजेक्टेड हो गया था पहली बार में, तो मैंने जो इशू सॉल्व के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो वगैरह जो लिखते हैं, 5 डॉक्यूमेंट्स आप प्लीज़ अपलोड द बैकग्राउंड फोटो वगैरह दो। तो मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड का फोटो, फ्रंट का, बैक का, और रियलमी नार्जो का बिल और रियलमी C12 जो डिलीवर हुआ है, वो सारे इमेज उनको सेंड कर दिए थे। और मैसेज भी भेजा था, क्योंकि मेरे दोस्त ने गाली वाली भी थोड़े दे दिए थे उसमें। तो ऐसे करके मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, सॉल्व नहीं हुआ, तो मैंने कंज्यूमर कंप्लेंट में रजिस्टर करवाया। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा फ्रॉड होता है तो आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो, कंज्यूमर कंप्लेंट सर्विस पे जाके कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन पे ये सर्विस है। अगर आप कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए, आपको टोल फ्री नंबर भी दिया जाता है, जिसका नंबर है 1800-11400 और 1800-11400 पे जाके आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। नहीं तो प्ले स्टोर पे ऐप भी आता है, उमंग ऐप, उस पे जाके अपना सारा डिटेल्स देके आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और वहाँ पे अपना कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हो उस ऐप के थ्रू। लेकिन उस पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर आईडी, अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर और ऑर्डर डिटेल्स वगैरह आपको शेयर करने पड़ेंगे, बोथ एप्लीकेशन पे भी और आप जो टोल फ्री नंबर पे भी जो कॉल करोगे उन एग्जीक्यूटिव से भी आपको ये कराना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है ना, ये जो जैसे आप कंप्लेन रजिस्टर कराओ कंज्यूमर कंप्लेन सर्विस में, जो आप कंप्लेन रजिस्टर कराते हो, तो आपको 7-15 दिन का टाइम लग जाएगा। तो पेशेंस रखना, लेकिन आपका काम जो है सक्सेसफुल जरूर होगा। तो दोस्तों, अराउंड 10 दिन के बाद फ्लिपकार्ट कस्टमर जो ग्रीवेंस ऑफिसर है, उन्होंने कॉल किया, सारे डिटेल्स क्लियर हुए, पूरा डिटेल्स मैंने उनको दिया और उन्होंने मेरे जो कंप्लेन है उसको मंजूरी दे दी और उन्होंने रिफंड देने का दावा भी किया। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाया, जो कंज्यूमर कंप्लेन रजिस्टर के थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई और मुझे रिफंड जो प्रोसेस कर दिया गया। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, अगर किसी को रिफंड या फिर कैसे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करनी है, कैसे आपको कंप्लेन रजिस्टर कराना है नहीं पता, तो उस भले इंसान के पैसे डूब जाते हैं और उसको ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर से भरोसा उड़ जाता है। तो मैंने जो स्टेप्स बताए, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप अपने पैसे डूबने से बचा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो में कमेंट छोड़े और कमेंट करके बताएं क्या आपके साथ कभी भी ये फ्लिपकार्ट फ्रॉड हुआ है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ भी आप परचेज करते हो तो आपके साथ क्या ये फ्रॉड हो चुका है, आप कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैला दो अपने दोस्तों के साथ। जिन लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग को हेट करते हैं उनको भी ये वीडियो स्प्रेड कर दो। और अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, फेथफुल वीडियोस, आपके जनहित के लिए जारी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो फिर मिलता हूं अगले वीडियो में जबरदस्त कंटेंट के साथ। धन्यवाद।